और संभाली है गांव की किचन और बन रहा है आज मेरे घर पे चना और गंध्याली का मदरा। पूरा मैंने ना किचन पूरा ऐसे सामान बिखेर दिया पूरा रैक पे। यहाँ पर कहीं लस्सी बन रही है, कहीं चावल लगे हैं, कहीं दाल उबली है, कहीं मसाला तैयार हो रहा है, कहीं मिक्सी। तो पूरा घर मैंने बिखेर के रखा है क्योंकि फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी सुबह से। सफाई में बिजी हो गई। कहीं फूलों की थोड़ी सी मैंने वो छटाई की, छटाई मीन्स कि थोड़ा सा साफ किया घास वगैरह उसमें, उसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया जो मैं सफाई का काम करती थी और सुबह झाड़ू पोछा करके। और अभी भी मेरा सामान अभी भी काफ़ी बिखरा पड़ा है किचन में, जैसे मैंने आपको दिखाया, और बैक साइड में भी। बाकी कमरे हॉल सारा साफ कर लिया है रूटीन का। और मेरा कान पानी गया आज नहाते हुए, मेरा कान हो गया आज बंद। मुझे लग रहा है मुझे अपनी आवाज़ डबल ट्रिपल सुनाई दे रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी आपसे शेयर करूँ। तो अभी सभी लोग मंदिर गए हैं, मैंने की क्योंकि मैं सफाई में लगी हुई थी, तो मैं क्या आप लोग मंदिर जाओ और मैं करती हूँ घर का थोड़ा सा काम, तो क्योंकि मैंने ना अकेले जल्दी जल्दी से काम होता है, तो अभी जल्दी से करती हूँ मैं खाना बनाने का काम। गुड आफ्टरनून माई यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और पहल कर रहे हैं हम लोग, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है गाँव का, तो हम वहाँ पर कर रहे हैं आज पहल। तो बहुत सारे काम सबने अपने अपने शुरू कर लिए हैं, तो यहाँ पे गॉसिप भी चली है बहुत सारी। एक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। वहाँ बीना लगे हैं, वो आलू छील रहे हैं, वहाँ पे वंदना है, वो गोबर लग रहा है, वैसे ये इमली है, और उधर ये सीनियर चाची है, ये हमारे को गाइड कर रहे हैं, और ये चाची तो ये कुछ नहीं कर रहे, फोन में लगे हैं। और ये और यहाँ पे ये चाची हमारे शाड़े बोलते हैं, वैसे खुरमानी है ना, खुरमानी की बनेगी चटनी। और यहाँ पे ग्रॉस भी है, और यहाँ पे चाची लगे हैं, इन्होंने कर दिया मोमोज के लिए आटा तैयार। इधर देखो सुनीता दीदी, ये लूट रहे लोगों को उधर, पैसे इकट्ठे कर करके। ये हो रही हमारी तैयारियाँ, और मैं ना एक्चुअली बीच में फूट गई, आटा गूंथ रही थी समोसे के लिए, मैं बूढ़ी में मोमोज ही खोल रही हूँ। वंदना ने बोला कि आपने वीडियो नहीं बनाया कोई, क्योंकि पिछले साल का अभी हमारा हमने शुरू किया था लास्ट ईयर से अपना ग्रुप का, तो लास्ट ईयर मीडिया वाले आए थे, उन्होंने हमारा फोटो लिया, हमारा इंटरव्यू लिया, बट हमारा उन्होंने नहीं डाला। सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने थे उन्होंने, हाँ ये मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हम अपने ग्रुप को कैसे, इसको चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो और लोगों तक पहुंचे। क्योंकि पता है क्या, लास्ट ईयर भी मैं बता रही हूँ आपको कि हमारा ग्रुप था, तो ग्रुप में हमारे फोटो भी खींचे, वीडियो भी बनाए मीडिया वालों ने, पर वो पता नहीं किसने क्या बोला और हमारा कट कर दिया उन्होंने वीडियो, और हमारा न्यूज़ में नहीं आया। न्यूज़ के लिए नहीं है, सिर्फ ये है हमारे को अपना एक बनाना है, एक पहचान के हम लेडीज़ भी कुछ कर रही हैं, हाँ प्रमोट कर रहे हैं हम अपने। एक्चुअली बूटियों बीच बीच में ना मुझे क्या बोलना, तो मुझे चाची बोलो प्रमोट बोलो, तो हम प्रमोशन के लिए ही, हाँ ग्रुप की प्रमोशन के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हमारा ग्रुप ब्लॉग तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, कि उनका ग्रुप भी एक्टिव है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, BHB हिंदुस्तानी ब्लॉग्स के माध्यम से आप प्लीज़ लोगों तक पहुँचाएं कि इनका भी जो ग्रुप है उसका नाम है कोटेश्वर, है ना, जय कोटेश्वर महादेव, हाँ जय कोटेश्वर महादेव। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारी लेडीज़ मिलजुल कर काम कर रही हैं, तो एक दो लेडीज़ तो नहीं है, वो कुछ लोग शाम को आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग अभी लगे हैं। तो ये है, आप लोगों को आगे भी बताते रहेंगे हम क्या क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों से वीडियो शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे वंदना के द्वारा कुकर ढीला किया जा रहा है।
और यहाँ पे हो चुका है पकौड़े के लिए मटेरियल तैयार, ये मोमोज के लिए। और यहाँ चाची गूथ नहीं रहे, छान रहे हैं बेसन। आप ऐसी बातें सुनिए क्या उन क्या क्या बोल रहा है। लाइट थोड़ी कम आ रही है, हल्दी का ठीक है इसमें कलर वैसे। हाँ नहीं तो फिर वो बहुत ही नमक नमक चख लेना इसमें। आठ डे से ये देखिए ये नई तकनीक है, ये आदि आदिवासी जब करते थे ना पत्थरों से काम करते थे, तो आज वही काम दोहराया जा रहा है और पत्थर से मैश किया जा रहा है। क्रश इससे ज्यादा टेस्ट आता है, पत्थर से ज्यादा टेस्ट आता है आदिवासी स्टाइल में। आज इधर मोमोज के लिए चाची उसमें मत तो उसमें वो मसाले भी है ना, ऊपर से उठा दो मसाले में भी नहीं 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 पड़ता है, डालो थोड़ा सा ही, इसमें भी नहीं है पार, उसमें भी नहीं है नमक और उसमें डालना। तो ये देखिए यहाँ खीरे हो गए हैं फूड चाट के लिए तैयार। ये देखिए कोई हाथी के दांत है, कोई डॉगी के दांत है, मोमोज की शक्ल, समोसे, मोमोज कम नहीं समोसे ज्यादा, ये देखिए छोटा समोसा बीच में अकल दाड़ है, ये जो गोल गोल ही अकल दाड़ है। जय गए समोसे बेल के बन रहे जी, और साथ में आटे के दांत अकल दांत ये अकल दाड़ चाची गोल गोल समोसा खाओ समोसा डालो क्या। ये देखिए हमारे समोसे सबसे चढ़ रहा है जी भगवान जी को प्रसाद। यहाँ हमारे कुल देवी का मंदिर है सामने, तो वहाँ की पूजा हो रही है, जो हमारा सबसे पहला जो हमने बनाया अपना कुक किया जो समोसा उसको चढ़ाया जा रहा है। अब माँ माई का प्रसाद सबको बटेगा, हलवा बटेगा बनेगा तो सब में बटेगा, पर ये समोसा है। वाह क्या डेकोरेट किया समोसे को। इधर स्टफिंग स्टफिंग देखिए आप, मेन तो स्टफिंग होती है, जबरदस्त स्टफिंग है, कोई कंजूसी नहीं है मसाले की ना सब्जियों की। क्लोज से दिखाती हूँ, काम करने वालों की कोई कंजूसी नहीं है, जी जान से लगे हैं सारे। ये देखिए गुड इवनिंग माई यूट्यूब फैमिली, शाम हो चुकी है और हम अभी भी लगे हैं काम में। ये देखिए पैकिंग भी हो रही है, कुकिंग भी हो रही है, और बंदे गिर भी रहे हैं देखो बिना बिना पिए गिरे जा रहे हैं। तो हमारी कुकिंग अभी तक नहीं हो रही है, और शाम के क्या टाइम हो गया, 9:15 हो गए और हम अभी तक कुकिंग में ही लगे हैं, हमारे चूल्हे चले हैं, अभी बहुत सारे काम बचे हैं। यहाँ पे तड़का लग रहा है, चटनियाँ बन रही हैं, उधर पकौड़े बन रहे हैं, ये पकौड़े के लिए लगी है हमारी कढ़ाई, और सारे बहुत थक चुके हैं, और सारा अभी बहुत ज़्यादा मैसी है, बहुत ज़्यादा सब लगे अपने अपने काम में।